आउज़बिल्लमिनशाजीम बसमल्हन हो व समीम हो वल़फ़ूर रहीब्यामल महमदूँ वाह महमदिन दरबार मामजादा अब्दुल्ल गाजी ग पाकिस्तान से असलकम वर्क आप चम्मच हांडी में उल्टा क्यों चलाएँ या चम्मच हांडी में उल्टा चलाने से क्या होता है हम जब बुज़ुर्गों को छोड़ चुके तो बच्चे परेशान हो गए दरबार इमामजादा से ये एक काविश है कोशिश है आ, उन बच्चे बेटे बेटियों के लिए ताकि वो आ, इस दुनिया में जब इंटरसेप्ट कर रहे हैं और इस दुनिया में अपने हिस्सेदारी के लिए रोज़ी रज घर और सफ़र करके अपना हक़ तलाश कर रहे हैं तो उनको ये जानने में आसानी हो कि आल रसूल अहल अल्लाह को छोड़ कर वो खुदा को नहीं पा सकते ये बहुत आसान सा प्रिंसिपल है तो जितनी जल्दी वो अपने आप को दोबारा से रिलेट कर लेंगे और एसोसिएट कर लेंगे अले रसूल से उतनी जल्दी उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी ये डिसकनेक्शन है ये जो डिसोसिएशन है फ्रॉम अहल बैत ये आपको कहीं दुनिया में छाँव नहीं मिलने देगा आखिरत में छाँव नहीं मिलने देगा तो ये दुनिया तो फना हो जानी है हांडी में उल्टा चम्मच चलाना सगीर पाको हिंद तक हमेशा नसल द नसल नसल ब नसल हमेशा ही फ़ैज का सरच्मा रहा है लेकिन बस सगीर पाको हिंद में आने के बाद क्याम पाकिस्तान और तकसीम हिंद तक तो ये रिवायतें रहीं फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायतें विड्रॉ होती रहीं ज़ाहिर है अलग हुए कॉन्टेन्ट्स आलहदा हुए और आ, नेशन्स अलग हुई टू नेशन थ्योरी आई लोग लसानियत की बुनियाद पर अपने अपने मुल्कों में भी अलहदा होने लगे तो फिर ज़ाहिर है उनकी जो प्रैक्टिस थी वो भी अलग होने लगी वरना इससे पहले जराइम नहीं थे मुजरम नहीं थे थे अपने अपने लेवल्स पर थे लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई आज़ादी से निकल नहीं सकता हो बात ना कर सकता हो या वो परेशान हो अब हमबत हैं इन्हीं वजूहत की बिना पर आ, हांडी में उल्टा चम्मच चलाना इट इज़ एंटी क्लॉक वाइज यानि फ्राम राइट से लेफ्ट ये हांडी में उल्टा चम्मच चलाना एक तो हांडी का चम्मच लकड़ी का होना चाहिए उल्टा चलाने का मकसद ये है कि अगर आप खान काबा का तवाफ़ देखें तो ये एंटी क्लॉक वाइज़ है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो रहा है आप मार्स वीनस नैपचून मिल्की वे एंड बी कहीं चले जाएं सोलर सिस्टम में आप गैलेक्सीज में कहीं चले जाएं आपको हर चीज़ ऑर्बिटल मोशन में मिलेगी यानी कि वो राइट से लेफ्ट रोटेशन में है यानी कि उसकी मूवमेंट ऑफ रोटेशन तो है लेकिन वो रोटेशन के साथ भी एक अपनी रोटेशन भी रखती है ये आम साइंस है इसमें आपको गलेलियो के पास जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये आम आपको किसी भी साइंस का स्टूडेंट बता देगा सेवनथ क्लास का स्टूडेंट भी बता देगा कि हर प्लानट की अपनी रोटेशन है और वो खुद एक मोशन वाली रोटेशन में है जो भी एंटी क्लाक हो रही है यानी अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया अरसमवात अर्द अल्लाह कायनात का नूर है और हर चीज़ में नुमाया है ये अल्लाह की इबादत कर रही हैं और अल्लाह का मरकज़ी इबादत का जो महवर है वो खाने काबा का तवाफ़ हो रहा है आप देखिए कि जब हर चीज़ अल्लाह की इबादत में महवर में घूम रही है तो वो सरचश्मा इबादत बजा ला रही है यानी इबादत का रुकन बजा ला रही है अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप उम्रा करने जाते हैं फॉर एग्ज़्ज़ाम्पल आप हज करने जाते हैं तो क्या कभी आपने सुना कि हज एंटी क्लाक वाइज़ के बजाय क्लाक वाइज़ होकर कभी किसी ने किया हो हज़ारों बरस से सलाम से एक रिवायत चली आ रही है ना सरकार ने भी वैसा फ़रमाया कुरान से आपको नमाज का हुक्म मिलेगा कुरान से आपको हज का हुक्म मिलेगा क़ुरान से आपको ज़क़़त ख़ैरात और हकूक लबाद का हुक्म मिलेगा लेकिन उसका तरीक़ा आपको सरकार और अहल बैज से मिलेगा तो सरकार ने फरमाया कि यह राइट से लेफ्ट तवाफ़ होना चाहिए और हमेशा से इब्राहीम के दौर से इसी तरह तवाफ़ होता आया। बुज़ुर्गों बहनों बेटों बेटियों माओ बहनों से ये दरख्वास्त है कि जब भी आप राइट से लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज चम्मच चलाएंगे तो आपका खाना आपकी रसोई इबादत में शुमार होगी सिफल जादू से बच जाएगी आपके खाने में अल्लाह ना करे असतफरल हाशल्ला अगर जहर आलूदा हो भी गया है या कोई कंटेमिनेशन या कंटेमिनेटेड या कोई पॉइजनस फैक्टर वाली चीज़ आ ही गई है तो आपके इबादत के मज़र से इनशा वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी आपके रिज़क में बरकत आएगी हर चम्मच खाने वाला चलाने वाला उसका हर घड़ी इबादत में शुमार होगा जब उसका खाने वाला लुकमा खाएगा वो भी इबादत में शुमार होगा कि ये जिसने बनाया है जिस तरीक़े से बनाया है उसने अल्लाह की इबादत और उसके रिज़क का शुक्र अदा किया है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है कि शाबे अजी आला आ रबी कुमा तो का ज़बान सत्ता इस व पार सूराहमान में कि और तुम कम ही अल्लाह का शिक्र बजा लाते हो और उसकी किन किन नियमतों का शिक्र बजा लाओगे टू विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड यू तो आपको अल्लाह ने शुक्र करने की तरगीबा फ़रमाई है और फिर ये फरमा भी दिया है कि तुम कम ही शुक्र बजा लाते हो लिहाजा हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट से हर एंगल से हमारी हर अदा से ये इम्पैक्ट मिलना चाहिए ये एल्यूमिनेशन आनी चाहिए ये प्रोजेक्शन आनी चाहिए ये वाज होना चाहिए कि हम किसकी इबादत करते हैं किस से मोहब्बत करते हैं और हम किस के मानने वाले हैं अल्ला महमदूँ वाल महमदन बेह ग იაღაზი